अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। हनुमान जी के लिए ये चौपाई है कि सुमारी पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे रामू। राम जी को अपने बस में कर रखा है। तो सोडानी जी, यहां राम जी का नाम रामू लिखा है, तो एक संत से एक सज्जन बोले कि गोस्वामी जी ने भी ना कहीं कहीं बड़ी गड़बड़ की है। उन्हें संत ने कहा क्या? बोले लिख देते सुमारी पवन सुत पावन नामा अपने बस कर राखे रामा, तो चौपाई तो पूरी हो रही थी, मात्राएं भी कम नहीं हो रही थी, तो रामू क्यों लिखा, रामा क्यों नहीं लिखा? संत ने कहा कि गोस्वामी जी की कोई भी चौपाई एक मात्रा भी अनुपयुक्त नहीं है, उपयुक्त ही है। कैसे उपयुक्त है? बोले यहां उस बात को परिलक्षित गोस्वामी जी करना चाहते हैं कि नाम जापक के लिए भगवान कैसे बस में हो जाते हैं। हनुमान जी के बस में भगवान कैसे हो गए? रामू, भगवान का नाम रामू लिखा है। क्यों? बोले घर का नौकर होता है तो नाम तो भले ही उसका रामचंद्र हो या अमुक हो, पर घर के नौकर को प्रायः लोग ऐसे ही बुलाते, अरे रामू श्यामू, रामू श्यामू ऐसे ही नाम लोग रख लेते हैं। तो जैसे घर के नौकर के नाम भले ही चाहे जो हो, लेकिन लोग प्रायः छोटे नाम रामू श्यामू ऐसे नाम रख लेते हैं, माने उसका छोटा नाम करके रख लेते हैं। और जैसे ही मालिक उसको आवाज लगाता है और वो दौड़ कर आकर के कहता है जी मालिक आज्ञा, उसी प्रकार नाम जापक के लिए भगवान सदा सर्वदा तत्पर खड़े रहते हैं कि नाम लेने वाला कब बुलाए और मुझे दौड़ कर जाना पड़े। इसलिए भगवान का नाम यहां रामू लिखा है कि सेवक की तरह भगवान नाम जापक के पीछे पीछे चलते हैं।